यानी कि इफ यू आर बॉर्न ऑन 5, 14 और 23rd ऑफ अ मंथ देन यू हैव अ टोटल ऑफ नंबर 5, यानी 5 आपका मूलांक है। 5 यानी कि बुध, बुध और शुक्र दोनों ही आपस में मित्र हैं, यानी कि ये साल फ्रेंडशिप्स एंड फ्रेंड्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही फेवरेबल रहेगा। बट साथ ही साथ योर एक्सपेंसेस आर गोइंग टू गो अप। इस साल यू हैव डोंट हैव टू टेक हेस्टी डिसीजंस। व्हेनेवर यू वांट टू डू समथिंग और यू वांट टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस, बी वेरी ऑफ दिस दैट यू हैव टू फॉलो द एडवाइस ऑफ समबडी हु इज एक्सपीरियंस्ड इन योर फील्ड। इस साल business is going to grow and there will be new heights that you will reach in your career and business. Money is going to grow, there will be benefits, you will be able to pay off your loans and paise jo hai aapke liye bahut easy money earn karne ki opportunities bhi milengi aapko. But at the same time you have to make sure that you do not sign any document without checking, else there can be issues. Foreign connects, foreign travel, foreign business is going to give you loads and loads of success. तो अगर आप बाहर की countries या बाहर से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, that is going to be very very beneficial for you. साथ ही साथ आपका ध्यान इस साल अपने घर की तरफ यानी कि अपनी फैमिली की तरफ रहेगा। इंटीरियर डिजाइनिंग, हाउस डेकोरेशन, सो एक्सपेंसेस आर गोइंग टू गो अप टूवर्ड्स द ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर हाउस और योर ओन सेल्फ। This year the savings will be less as compared to 2021, but साथ ही साथ traveling with friends, party and entertainment is going to go up. Property investments are going to be beneficial for you this year, and this year if you don't pay attention to your expenses, the last quarter of the year 2022 is going to give you money troubles as well. Relationships will improve in the coming year. तो आने वाले साल में 2022 में relations बहुत ही खूबसूरत रहेंगे। आपके पार्टनर्स आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेंगे। इमोशनल हैप्पीनेस, मेंटल पीस एंड फिजिकल हार्मनी तीनों ही आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगे। आपके पार्टनर्स आपकी बात की रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। देयर विल बी ओवरऑल फैमिली हैप्पीनेस इन द कमिंग ईयर। पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की गलत फहमी से आपको बचना है, मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना है। हेल्थ के लिए भी अगर हम बात करें तो स्किन यानी कि आपकी स्किन इरप्शंस या स्किन से जुड़े कुछ इश्यूज आपको हो सकते हैं नंबर 5 को, एंड साथ ही साथ आपके नर्वस सिस्टम को लेके भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल ऑफ देम, एंड इफ यू फील सच थिंग्स यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर।